निवारी पंचायत के चौहरा मतदान केंद्र क्रमांक 110 से एक मामला सामने आया है। जब बिना मतपत्र लेखा के मत पेटियां ले जाने लगे तब ग्राम वासियों के द्वारा विरोध किया गया और वहीं विरोध प्रदर्शन करने लगे। यह घटना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी अपने अधिकार के लिए एकत्रित हो गए। इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई। पूरा प्रशासनिक अमला तुरंत ही मौके पर पहुंचा और भारी मशक्कत के बाद प्रशासन की ओर से समझाइश दी गई। वहीं ITI मतपेटियां लाई गई और उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में ग्राम पंचायत वासी पहुंचे। ग्रामवासियों की मांग है कि मतपत्र लेखा दिया जाए। जिस जगह मतपेटियां रखी गई हैं वहां भारी तादाद में ग्रामीण मौजूद, सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रोली से ग्रामवासी पहुंचे। इसलिए आए हैं सर के जो कि हमारा सरपंच चुनाव लड़ रहा तो इन चोरी से पेटी उठाई और भागे आए हैं। हम राशन लेने जाते हैं तो दस्तखत होते हैं, सब जानकारी होते हैं, जिसके बाद राशन मिला था गेहूँ उठा कर तो नहीं आ जाते, इसलिए जे हमारी पेटी लेके आ गए चोरी से। आप हिसाब किताब चाहते हैं कि हिसाब किताब चाहें? हमें तो हिसाब चाहें हमारे। पर नियम में ये होता है कि मतदान केंद्र पर मतगणना मतपत्र लेखा मतदान केंद्र पर ही पीठासीन अधिकारी के द्वारा अभिकर्ता को, प्रत्याशी के अभिकर्ता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन मत लेखा चौरा मतदान केंद्र पर नहीं दिया गया। जबरदस्ती पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा जबरदस्ती जो पेटी है, मत पेटी है, उसको जबरदस्ती लाया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि जो हिसाब किताब है वो हमें मिलना चाहिए था। अब ये बताइए कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी सबसे महत्वपूर्ण होती है। RTI जो कानून लाया गया 2006 में, ये पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के लिए ही लाया गया कि भाई शासन प्रशासन से हमारा ये अधिकार बनता है कि आप क्या कर रहे हो हमारे साथ, उसका हमें पता होना चाहिए। तो हमारी समस्या यही है कि पीठासीन अधिकारी महोदय ने हमें मतपत्र लेखा नहीं दिया। और मैं क्या, देखिए मतदान गुप्त होता है, लेकिन ये देखिए यहाँ तो मतदान हमारे लिए प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह मिंटू भैया के लिए खुला मतदान है। सरपंच जनता बनाती है, अब हम किसी सरपंच पद के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारी जनता ने तो श्री आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह मिंटू भैया के लिए सरपंच बना दिया। और ये प्रमाण है कि ये सब यहाँ पर हमारी माता बहनें देवतुल्य, हमारी माताएं बहनें सभी मेरे पंचायतवासी, जिसको हमारा परिवार समस्त पंचायतवासियों को एक परिवार की तरह मानता है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए यहाँ से हम मतपत्र लेखा जो है वही लेकर जाएंगे और इससे आगे मैं बोलने का हकदार नहीं हूँ। अब आप जनता जनार्दन से बात करिए, क्योंकि मत इन्होंने दिया है, हिसाब किताब इनको नहीं दिया गया है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे सभी परिवार